हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और दोस्तों आप लोग घर में होंगे, क्योंकि दोस्तों जानते ही है जैसे कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक सामने आया है, तो आप लोग बाहर मत निकलेगा विदाउट एनी सॉलिड रीजन। दोस्तों बहुत ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकलेगा, जैसे किसी भी बोल रहे हैं। और हॉबी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए अभी, क्योंकि अभी बेस्ट टाइम है। और एक एनिमल लवर हूँ तो एक रिक्वेस्ट है कि एनिमल्स जैसे स्ट्रे डॉग्स, काउस, जो भी आपको सामने दिखे उनको फीडिंग ज़रूर करवाएगा, क्योंकि अभी सभी दुकान बंद है तो उनको ज़रूरत है फीडिंग का, क्योंकि कोई फीडिंग करवाने वाला नहीं है, स्पेशली जो रोड साइड के डॉग्स हैं उनको। और छत में पानी, खाना ये सब ज़रूर रखिएगा बर्ड्स को, बर्ड्स के लिए। दोस्तों आज एक वीडियो बना रहा हूँ, जिस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करूँगा मेनली। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा मेरे को, उसी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूँगा फिश रिलेटेड। ये मेरा लियो है, जैसे कि आप जानते हैं मैं पिछले भी वीडियो बना चुका हूँ, और अभी पिछले का वीडियो और अभी का वीडियो आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कंडीशन सही नहीं लग रहा, क्योंकि हेड डाउन है, कलर फेड है। दोस्तों तो यही कुछ मैटर के बारे में डिस्कस करूँगा, कुछ डिजीज हुआ इसको और ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भी, ऐसा नहीं बोल सकते कि ख़त्म हो गया। दोस्तों अभी तक तो सक्सेस मिल रहा है और इसी के बारे में मैं फर्दर भी डिस्कस करूंगा। दोस्तों वीडियो देखते रहिएगा आखिर तक, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो आखिर तक। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ ये कर्फ्यू बोलिए, लॉकडाउन बोलिए, जो भी बोलिए उसके बाद, क्योंकि दोस्तों सभी दुकान बंद हो गया था और मेरे पास हीटर था। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक्वेरियम पे हीटर नहीं लगा हुआ है, और दोस्तों यही था मेन प्रॉब्लम पहले भी। हीटर क्या हुआ, मेरे पास चार हीटर था और तीन फंक्शनल था, तो तीनों हीटर मतलब अलग अलग एक्वेरियम पे लगा हुआ था मेरा, तो सडन पावर ड्रॉप हुआ या क्या हुआ, वोल्टेज अप डाउन हुआ और तीनों हीटर एक साथ ख़राब हो गया, मतलब डिसफंक्शन हो गया, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा था। मतलब हीटर कभी तो मतलब जो इंडिकेटर होता है ना जो रेगुलेट करता है वो ख़राब हो गया, मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हीटर का। तो और एक जो सब्स्टिट्यूट हीटर था वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, और सभी दुकान क्योंकि बंद है तो मेरे को मिल भी नहीं रहा था हीटर। तो जैसे कि जानते ही हैं कि हीटर टेम्परेचर अगर ड्रॉप हुआ तो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट इन सब के लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाता है, और फिश का इम्यूनिटी भी वीक हो जाता है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, और बहुत मैटर है। और ये प्रॉब्लम मेरा स्टार्ट हुआ था, और अभी आप देख सकते हैं कि अभी तो ठीक है फिश, लेकिन कुछ टाइम मैं वीडियो दे दूंगा देख सकते। पहले तो हीटर टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से फर्स्ट मेरा जो डिजीज स्टार्ट हुआ था इस फिश में वो था व्हाइट स्पॉट डिजीज। हाँ, व्हाइट स्पॉट डिजीज स्टार्ट हुआ था। मैं वीडियो दे दूंगा, पूरा बॉडी में व्हाइट स्पॉट आते कि आई में भी, हेड में भी, बॉडी, टेल, फिन, पेक्टोरल फिन सब में, लिप्स में, हर जगह पे व्हाइट स्पॉट हो गया था। तो दोस्तों व्हाइट स्पॉट का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था फर्स्ट, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं इजीली ट्रीटमेंट कर लूँगा। तो व्हाइट स्पॉट होने के बाद, क्योंकि हीटर नहीं था, अगर हीटर होता तो कोई दिक्कत नहीं था, तो हीटर नहीं था तो मतलब जो भी था वही नॉर्मल वाटर कंडीशन में मेरे को ट्रीट करना था। तो व्हाइट स्पॉट होने के बाद मैं ट्रीट किया जैसे नॉर्मली, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, जैसे रॉक सॉल्ट दे सकते हैं, इप्सम सॉल्ट दे सकते हैं, मैं रॉक सॉल्ट था मेरे पास तो रॉक सॉल्ट दिया, मेलाचिट ग्रीन दिया, मेलाकाइट ग्रीन भी बोलते हैं, मेलाकाइट ग्रीन अप्लाई किया नॉर्मली जो करते हैं, क्योंकि ये मैं बेसिक मेथड पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, तो मैं नॉर्मली मेलाकाइट ग्रीन अप्लाई किया। उसके बाद डीप ट्रीटमेंट किया, मतलब एक बकेट में ट्रीटमेंट किया था मैं मेलाकाइट ग्रीन का, तो दो दिन विदाउट फीडिंग, मतलब फीड कर रहा था फिश अभी, मतलब फिश फीडिंग स्टॉप नहीं किया था, तो फिश नॉर्मली फीडिंग ले रहा था, तो क्योंकि फिश बकेट में था। अब बाथ ट्रीटमेंट बोलिए उसको, डीप ट्रीटमेंट बोलिए, जो भी बोलिए, तो फिश था स्ट्रेस्ड, दो दिन तक मैं बाथ ट्रीटमेंट किया था।
तब तक मैं फीडिंग नहीं करवाया था फिश को। तो उसके बाद जैसे कि मेरे को पता था कि ये सॉल्व हो जाएगा मैटर, तो लगभग 90% बोलिए रिकवर हो गया था फिश। सिर्फ 10% माइनर एक दो व्हाइट स्पॉट था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं ये जो मेरा हॉस्पिटल टैंक, इसमें मैं शिफ्ट कर दिया फिश को, वाटर चेंज पूरा कर दिया, तो फिश था। तो बात है कि टेम्परेचर अभी भी फॉल था, तो मतलब प्रॉपर नहीं था। तो फिर से एक दो दिन बाद एक नया डिजीज सामने आया, देखा कि फिश का आई जो है वो क्लाउडी हो गया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एकदम नॉर्मल नहीं हुआ आई, आई अभी भी थोड़ा क्लाउडी है, लेकिन पहले दो दिन पहले और क्लाउडी था। मतलब एकदम क्लाउडी, ऊपर से उस आई के ऊपर फंगस टाइप का हो गया था, फंजी टाइप का अपीयरेंस हो गया था। और फिन रॉड भी सामने आया, फिन रॉड आप देख सकते हैं जो वेंट्रल साइड का फिन, ये पहले फिलामेंटस था, अभी ऐसा हो गया। अप साइड का जो डोर्सल फिन है वो भी सेम, और ये पेक्टोरल फिन है, इसमें एक होल देख सकते हो उसमें, उस पेक्टोरल फिन में वो भी ये फंगी फंगल पैरासाइट है, कुछ भी बोल दिया, वो उसके वजह से हो गया था फंगल इन्फेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि तभी कुछ अर्जेंट काम था तो मेरे को जाना पड़ा था, मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो दोस्तों अभी मैं कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्लावर हॉर्न बहुत अच्छा हालत में है, अभी उसका हेड भी प्रॉपर निकल चुका है, मतलब ग्रो कर चुका है हेड। ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 3 दिन बाद उस वीडियो शूट करने से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरली कि फ्लावर हॉर्न एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एक्टिव है, हेल्थ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। तो इसका मतलब जो मैं ट्रीट किया था एकदम प्रॉपर है। तो मैं आपको ये एक्सपीरियंस अभी शेयर करूँगा एकदम क्लियरली, और आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और आप भी कुछ सीख लीजिएगा इससे, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो आपको हेल्प हो जाएगा। आपका भी सेम कंडीशन आया तो आप भी जो है इसी मेथड के यूज़ करके आप इजीली इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि बोल रहा था कि क्लाउडी आई हो गया था, तो क्लाउडी आई मतलब कोई प्राइमरी सिम्टम नहीं है कोई पर्टिकुलर डिजीज़ का, मतलब कोई पर्टिकुलर पैरासाइट या कोई भी पॉजिटिव एजेंट का, ये मतलब सेकेंडरी सिम्टम होता है। मतलब प्राइमरी सिम्टम कुछ और होगा। तो इस क्योंकि मेरा फ्लावर हॉर्न को फंगल इन्फेक्शन हुआ था फिन पे, और तो और वाइट स्पॉट भी था, तो इसीलिए ये जो क्लाउडिया है ये अपीयर हुआ था। और ये क्लाउडिया के पीछे और भी रीज़न हो सकता है जो कि अननोन है, मतलब सब सिम्टम्स तो सामने नहीं आता, कुछ कुछ सिम्टम्स निकलने से पहले मैं ट्रीट कर दिया होगा इसीलिए वो अपीयर नहीं हुआ। तो ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने जो है वो टेक्स्ट बुक एकदम जो मेथड है वो यूज़ किया। व्हाइट स्पॉट तो मैं मैलाकाइट ग्रीन ट्रीटमेंट से एकदम सॉल्व कर दिया था मैटर, फिर भी थोड़ा थोड़ा था, वो बाद में सॉल्व हो गया था। तो बाद में जो है वाटर चेंज तो आपको करना पड़ेगा, रेगुलर वाटर चेंज 20% करके आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, थ्रू आउट द कोर्स। तो ट्रीटमेंट जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहली बार मतलब ये सेकेंड जो मैं ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करने से पहले मैंने 50% वाटर चेंज कर लिया था ताकि एनवायरमेंट कुछ कंट्रोल में आ सके। तो वाटर चेंज करने के बाद मैं डायरेक्ट गया ये जो एक्वाटिक रेमेडीज़ का प्रोडक्ट है, ये जो बैक्टोनिल प्रोडक्ट है फ्लावर का, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैक्टोनिल प्रोडक्ट प्लस ये जो स्ट्रेसिल है, ये जो स्ट्रेसिल प्रोडक्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोनों में कॉम्बाइन करके यूज़ किया, प्लस सॉल्ट ट्रीटमेंट मस्ट। ठीक है, तो वाटर चेंज करने के बाद ये बैक्टोनिल अप्लाई करना होगा। आपके पास ऐसा कुछ मेजरिंग कैप होगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए। यहाँ पे लिखा है कि 10 ml पर 50 लीटर। तो ये जो मेरा टैंक है ये है 2 feet x 1 feet है, जो हॉस्पिटल टैंक मैंने यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका था 2 feet x 1 feet विथ इंटू 1 feet हाइट। तो इसका टोटल वॉल्यूम इन लीटर होगा करीब करीब 54 समथिंग लीटर्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 10 ml पर 50 लीटर, तो आप 10 ml यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा कम यूज़ किया था, मैंने 8 ml यूज़ किया था। ठीक है, 8 ml यूज़ करना है आपको।
और फिर आप 10 ml यूज़ कर सकते हो प्रॉपर, अगर आपको ज़रूरत हो तो। मेरे को लगता है 10 ml ही सही होगा। तो उसके बाद ये जो स्ट्रेसिल है इसको भी मैं यूज़ किया था। स्ट्रेसिल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया हुआ है अच्छे से। तो डोसेज यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 10 ml/100 L फॉर नॉर्मल डोसेज। तो ताकि फिश स्ट्रेस में ना आए तो ये हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बैक टनल से बहुत स्ट्रेस क्रिएट होता है फिश को। तो हम इसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि 50 L करीब करीब 50 L का हमारा एक्वेरियम है कैपेसिटी। तो हम इसको 5 ml अप्लाई करेंगे। आप मेजर कर लेना उसके हिसाब से आपका कितना लीटर का एक्वेरियम है। अगर आप तो बकेट में भी ट्रीट कर सकते हैं, आपको अगर थोड़ा मतलब कम यूजेज चाहिए ये जो मेडिसिन है उनका। तो मैं ये ट्रीट किया था, ये करीब करीब आपका 3 दिन करना पड़ेगा। ये जो कोर्स है ये होल कोर्स आपको 3 दिन करना पड़ेगा, और 3 दिन ही आपको 20% वाटर मस्ट चेंज करना है। तो ऐसे ही चेंज करते रहना, आपको इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद सामने आ जाएगा। जैसे कि आप मेरा भी देख सकते हैं कि एकदम इम्प्रूव हो चुका है। ये क्लाउडी आई का, ये जो क्लाउडी आई है इसका ये मैं ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो बैक्टोनिल है इसका मतलब ये जो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। तो जो भी बैक्टीरिया होगा एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो इसका भी ये क्योर कर देगा। और तो और ये कुछ कुछ फंगल इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है, जैसे वुंड हो गया, अल्सरस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्किन डिस्कलरेशन, या आपको स्किन डिस्कलरेशन हो गया तो आप उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। अल्सर, वुंड, इन्फ्लेमेशन, माउथ फंगस, क्लाउडियाई, पॉप आई, फिश बाइट, फिनरॉट, ये सब के लिए यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए मैं इसको यूज़ किया और मेरे को सक्सेस मिल गया। आप भी ज़रूर से, ये अगर हुआ आपको फ्लावर वन को तो आप ज़रूर से इसको यूज़ करें, आप भी रिजल्ट जो है श्योर देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको हीटर प्रोवाइड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे को अभी तक हीटर नहीं मिला है, फिर भी मैं ये ट्रीट किया हूँ, मेरे को रिजल्ट मिल गया। अब अगर आपको हीटर अवेलेबल हुआ तो इसको और इफेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट मेथड को, और आपको श्योर इसका अच्छा फीडबैक मिलेगा। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझको बोल सकते हैं। ये मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरे को लगता है कि ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत कुछ बोलते हैं ना देख के ना जान के। तो ये जो मैं यूज़ किया तो ये डायरेक्टली मैं आपके साथ शेयर किया। अगर आपको हेल्पफुल हुआ हो तो आप ज़रूर इसको देखें, इसको जज करें। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट वगैरह, तो आप जो है कॉमेंट कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि ऐसा एडवर्स कंडीशंस कभी भी आ सकता है आपके फिश के लिए, पावर कट या कुछ भी, मटेरियल फेलिंग कुछ भी आ सकता है। तो अच्छा होगा कि आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर रखें और आपका फिश को भी पहले से प्रिपेयर करें, क्योंकि फिश का इम्यून सिस्टम उसका हेल्प करता है उसका बॉडी को जो बैलेंस करने के लिए। तो ये अगर आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फिश भी वर्टिब्रेटी है तो इसका भी डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी सेम काम करता है कुछ हद तक। तो अच्छा होगा कि आप इसको पहले से कुछ कुछ आपको हैबिट धीरे धीरे देते रहे, ट्रेनिंग देते रहे। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जब फिश खरीद के लाते हैं, या अभी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर लाइट ऑफ करके रखिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ करते हैं तो एक दिन बिना लाइट के रखिए। कभी कभी हीटर ऑफ कर दीजिए, देखिए कि आपका फिश कैसे रिएक्ट करता है। अगर बहुत ही ऑड टाइप का रिएक्ट करता है तो आप फिर से उसको दे दीजिए। ऐसा है ना कि ट्रेनिंग, अगर आपको लगता है कि मतलब फिश स्ट्रेस में आ रहा है तो आप फिर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके हाथ में चांस है। लेकिन अगर सच में ऐसा कंडीशन आ गया आपके हाथ में अभी, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप उसको पहले से थोड़ा देखें, पहले से उसको थोड़ा हैबिट में लाए, तो आपके लिए बाद में हेल्पफुल होगा अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है। तो यही था मेरा बोलने का मकसद। आप अभी से थोड़ा थोड़ा यूज़ कर, आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि फीडिंग थोड़ा कम दे के देखिए फीडिंग, क्योंकि फीड कभी भी ख़त्म हो सकता है, फीड नहीं मिल सकता है कहीं पे भी, तो ये कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो आदत डाल लीजिए, फिश को आदत डलवा दीजिए, तो ऐसा करने से बहुत हेल्प होगा। तो यही था मेरा बोलने का मकसद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।
और दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे को बहुत ज़रूरत है आपका हेल्प। तो दोस्तों यही था वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।